हेलो फ्रेंड्स, मैं सर शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन के बारे में, जिसको कि हम बोटॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि बोटॉक्स क्या होता है और बोटॉक्स को किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, बोटॉक्स यानी कि बोटुलिनम टॉक्सिन ए, बेसिकली ये एक टाइप का मसल रिलैक्सेंट होता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के ऊपर किया जाता है। दोस्तों, बोटॉक्स का जो इंजेक्शन है वो ऐसी मसल्स पर लगाया जाता है जो बहुत ज़्यादा टाइट हो, या ऐसी मसल जिसका टोन सबसे ज़्यादा हो। तो दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी के केस के अंदर डॉक्टर्स बोटॉक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं टाइट मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। दोस्तों, बेसिकली बोटॉक्स का जो इंजेक्शन होता है वो सेरेब्रल पाल्सी के जो पेशेंट होते हैं उनके केयर्स गिवर्स को असिस्ट करता है, ताकि वो उस पेशेंट को, सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को, डिज़ायर पोस्चर में बिठा सके और उसको ईजीली कहीं पर भी मूव कर सके। बोटॉक्स का इंजेक्शन सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट के अंदर फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को एक विंडो प्रोवाइड करता है, ताकि ये दोनों फील्ड के डॉक्टर्स पेशेंट के ट्रीटमेंट में इंटरवीन कर सकें। बेसिकली इस बोटॉक्स इंजेक्शन की वजह से फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों को सेरेब्रल पाल्सी के केस के अंदर एक विंडो मिलती है, जिससे ये लोग अपने ट्रीटमेंट को इस पेशेंट के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कई अपॉर्चुनिटीज़ फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को मिलती है बोटॉक्स इंजेक्शन के द्वारा सेरेब्रल पाल्सी के केस के अंदर। बेसिकली जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, जब बोटॉक्स का इंजेक्शन पेशेंट को लगाया जाता है तो शॉर्ट टर्म के लिए वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं सेरेब्रल पाल्सी के केस में, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट पेशेंट का स्प्लिंट कास्ट कर सकते हैं सीरियल कास्टिंग के ज़रिए से, और प्रॉपर और एक्यूरेट स्प्लिंट और ऑर्थोसिस पेशेंट के लिए तैयार कर पाते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को इस विंडो के अंदर ये मदद मिलती है कि वो स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज के ज़रिए से और एडेप्टिव इक्विपमेंट्स के ज़रिए से, कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी के ज़रिए से रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करता है सेरेब्रल पाल्सी के केस में। साथ ही पेशेंट का पेन रिड्यूस होता है और पेशेंट को और पेशेंट के रिलेटिव्स को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। दोस्तों, बेसिकली जो बोटॉक्स का जो इंजेक्शन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए आपकी मसल की जो टाइटनेस है उसको रिलैक्स करता है। जनरली जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 3 से 6 महीने का होता है, और री इंजेक्शन रिकमेंड होता है फिज़िकल रिव्यू और असेसमेंट के बाद। तो जो बोटॉक्स का इंजेक्शन है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का एक पार्ट होता है। सेरेब्रल पाल्सी के केस में अगर किसी पेशेंट का खाली एक ही ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके कंपेयर में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो दोस्तों, हमने सेरेब्रल पाल्सी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताया कि बोटॉक्स, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट है, किस तरीके से सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट के अंदर काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।